Let's have a look today into how the ethics paper is designed. We'll see about कि एथिक्स के पेपर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कितने सेक्शंस इसमें आते हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन में कितना वर्ड लिमिट रहता है. सो वील सी दैट इन जनरल. इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि सेक्शन ए के स्पेसिफिक क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे, एंड आफ्टर दैट वील लुक इन टू सेक्शन बी कि उसके स्पेसिफिक कैसे क्वेश्चन रहते हैं. सो वील सी ऑल दैट सो दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया इन दिस 3 or 4 वीडियोज. वील ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट वर्ड लिमिट, सो दैट वुड प्रोबेबली बी द 4th वीडियो. इससे क्या होगा, आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि एथिक्स का पेपर आता है उसके अंदर किस तरीके से आपको अप्रोच करना है. इनकेस इफ यू हैव नॉट सीन द पेपर अर्लियर, यूपीएससी के पेपर नहीं देखे हैं, तो उसको एकदम क्लियर कट पिक्चर आपको मिल जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसा पेपर आता है. एक तो जो हमने पहले भी रिपीटेडली अपने वीडियोज में कहा है, मैं आपको बताता रहता हूं कि इस पेपर का नाम पूरा क्या है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. हम लोग वहीं से चालू करेंगे, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ये आपका जनरल स्टडीज का 4th नंबर का पेपर है. GS1, GS2, GS3 और GS4th नंबर का पेपर ये है आपका. इसके अंदर बेसिकली दो सेक्शंस आते हैं. पहला जो आपका सेक्शन है दैट इज सेक्शन ए, एंड द अदर सेक्शन इज सेक्शन बी. अभी देखते हैं उसके अंदर क्या क्या पूछा भी जाता है. पहला है आपका सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी. एज आई ऑलवेज टेल यू दैट कीप यूपीएससी सिलेबस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड हैव. क्योंकि क्या है, यूपीएससी के सिलेबस को देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा बाउंड्रीज कहां पर बन रही हैं, पता नहीं चलेगा कितनी सीमा है, पता नहीं चलेगा कितने दायरे में है रहकर हमें तैयारी करनी है. एंड व्हाट डज यूपीएससी सिलेबस से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स पेपर. इसको जनरली एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिक्स पेपर भी बोला जाता है. तो व्हाट इज दैट विच इज गिवन इन यूपीएससी सिलेबस, उसके अंदर क्लियर कट दिया हुआ है दैट दिस पेपर इंटेंड्स टू एग्जामिन द कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड एंड अप्रोच एंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट्स फेस इन सोसाइटी एज वेल एज द लास्ट लाइन ऑफ द सिलेबस. व्हाट डज इट से, इट सेज कि इन ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबके ऊपर केस स्टडीज. राइट, स्टार्टिंग में भी बोलता है वो ये चीज, एंड में भी बोलता है, एंड में बोलता है केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, और स्टार्टिंग में बोलता है दैट दिस पेपर कैन ऑल्सो इंक्लूड द मेथड ऑफ केस स्टडीज इन ऑर्डर टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एक्यूमेन. राइट, तो जो केस स्टडी की बात करें वो थोड़ा सेक्शन बी के अंदर आ जाता है. फिलहाल हम लोग पहले सेक्शन ए से चालू करते हैं. सेक्शन ए के अंदर आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. एक तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ आपके क्वेश्चंस होंगे थ्योरेटिकल. हालांकि देर इज अ ट्रेंड विच इज सीन दैट विद पासिंग टाइम द क्वेश्चंस हैव बिकम क्वाइट प्रैग्मेटिक एंड डायनेमिक इन नेचर, बारिंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विच वी कैनॉट से आर अप टू दैट मार्क ऑफ यूपीएससी विच वी रियली एक्सपेक्ट, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट इतना तो है हमारे पास कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत डायनेमिक होता जा रहा है. उसके बाद एप्लीकेशन भी इसमें आता है, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन केवल केस स्टडी में आएगा, इसके अंदर एप्लीकेशन पार्ट भी आएगा. आपका नॉलेज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट मींस नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, नॉलेज विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं यहां पर, क्योंकि एथिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, एथिक्स का सब्जेक्ट मैटर है डीलिंग विद राइट एंड रॉन्ग. तो जब राइट और रॉन्ग से कोई चीज डील कर रही है तो उसका सब्जेक्ट मैटर को कहां पर रिवॉल्व करना पड़ेगा, उसके सब्जेक्ट मैटर को कहीं इसके बीच भी रिवॉल्व करना पड़ेगा. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इन स्पेसिफिक मैनर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन दैट टर्म्स. देन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, इट इंक्लूड्स एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस. Not only it is theoretical, not only it uses examples. अभी हम लोग जब सेक्शन ए के स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेंगे तब हमें एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के थियोरेटिकल किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. लेकिन उससे पहले एक जनरल आइडिया ये जरूर होना चाहिए कि एग्जाम्पल बेस पर और थियोरेटिकल पर नहीं रुकता, ये थियरीज भी पूछता है. थियरीज का मतलब क्या हुआ, आपका इमैनुअल कांट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया,
एरिस्टोटल के ऊपर पूछ लिया, वर्चुअल एथिक्स पूछ लिया, अभी नहीं पूछा गया कल को फेमिनिस्ट एथिक्स पूछ लेगा, एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर पूछ लिया, सो वो सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि है आपकी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, विल सी ऑल दैट जब हम लोग सेक्शन ए के स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन वी कम इनटू सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर किस तरीके से आता है, सेक्शन बी के अंदर जैसा हमने पहले भी देखा द केसेस आर बीन प्रेजेंटेड राइट, आपको कुछ केसेस दिए जाते हैं, उन केसेस को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि क्या हम लोग को केसेस के अंदर स्टेक होल्डर्स वगैरह ये सारी चीजें लिखनी है या नहीं लिखनी, जैसा कि आपको कई जगह बताया जाता है। वेल वी विल डील विद दैट इन एलैबोरेशन मे बी सम इन सम अदर इन लेटर वीडियोस, बट राइट नाउ लेट्स फोकस आवरसेल्व्स एट द पॉइंट कि ये केसेस का मतलब क्या हुआ। जो आपको केस स्टडी दी जा रही है उसका मतलब ये है, ऐसा केस जिसको कि स्टडी के फॉर्मेट में आप देख सके, तो वो आपको केसेस ही प्रेजेंट करे जा रहे हैं कि एक ऐसा केस है जहां पर एक चोर ने चोरी कर ली, अब उसने चोरी किसी कंडीशन में करी है, वो चोरी सही है या गलत है राइट। नाउ दिस मे बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन बट द आइडिया इज दैट अ केस इज बीन प्रेजेंटेड वेयर अ थीफ इज प्रेजेंटेड टू यू, वेयर द थीफ हैज कमिटेड द क्राइम और कमिटेड द एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन अ वेरी प्रेसिंग काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस, वुड यू कंसिडर दैट थीफ एज एथिकल और वुड यू नॉट कंसिडर दैट थीफ एज एथिकल। सो ऑल एंड ऑल दिस इज अराउंड दिस द आइडिया रिवॉल्व्स। इसके अंदर आपके केस स्टडी के अंदर भी आप देखिए होता क्या है, ये सारी चीजें सेक्शन ए के अंदर आर इन वेरी एक्सप्लिसिट मैनर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है यूपीएससी, यूपीएससी विल आस्क यू वेरी डायरेक्टली। लेकिन अगर यही सवाल आपका केस स्टडी वाले सेक्शन में आ गया है, सेक्शन बी के अंदर आ गया है, तो आप ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट होगा, इट विल नॉट बी वेरी क्लियरली रिटन ओवर देयर। आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ये सारे एप्लीकेशन है, जो थ्योरीज हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्या आप इन थ्योरीज का, कैंट का, एरिस्टोटल का, सोक्रेटिस का, प्लेटो का, इनका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या उनसे कुछ नॉलेज ले सकते हो, या क्या वो किसी कोटेशन को यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें स्पेशली सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ये सारी चीजें क्या आप यहां पर कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सब बहुत ही बहुत इंप्लिसिट मैनर में होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। जनरली क्या होता है केस स्टडी के अंदर स्टूडेंट्स थिंक, एस्पिरेंट्स थिंक कि भाई एक जनरल केस दिया हुआ है, हम अपनी एक जनरल समझ के हिसाब से लिख देंगे तो आंसर काफी होगा। नहीं, काफी नहीं होता। पुराने साल के एग्जांपल्स हैं आपके पास, टॉपर्स को देखो, वो लोग थोड़ा स्पेसिफिक लिखते हैं, थोड़ा उसकी चीजों को कुरेदते हैं, उसके बाद निकालते हैं कि क्या इसके अंदर एप्लीकेशन है क्या नहीं है, एंड कुछ लोग का नेचुरल एप्टीट्यूड भी रहता है, बट इन दैट केस यू आर ऑलरेडी सपोज टू बी वेरी वेल रेड। अगर वैसा आप कर सकते हो कि बहुत अच्छे पढ़े हुए हो, आपके व्यूज बहुत लॉजिकल है, एंड यू कैन वेरी नेचुरली फाइंड आउट और एक्सप्लोर द काइंड ऑफ हिडन एंड द इम्प्लिसिट मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स पेपर विच आर देयर इन केस स्टडीज, देन प्रोबली यू कैन मूव अहेड एंड डू दैट एज वेल। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। सो एनी वे दिस इज द काइंड ऑफ केसेज एंड दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्ड इन बोथ दीज सेक्शन राइट। नाउ लेट सी कि मार्क्स का डिविजन कैसे होता है। रवि एक काम करते हैं, एक तो ये बता दिया, आप कर दो, पॉज कर दो।